द कंप्यूटर डायरी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है फिर आज हम आप आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर के पेपरों में भी आए हुए हैं और आपके लिए हर कंपटीशन के टेस्ट के लिए ये कंप्यूटर के क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं इनके एक्सप्लेनेशन भी हम करेंगे देखिए पहला क्वेश्चन एस वी डब्ल्यू पी स्टैंड फोर स्वीप जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है चार ऑप्शन इसमें आपको मिले हैं पहला ऑप्शन दिया है सिस्टेमेटिक वोटर एनरोमेंट एंड इलेक्ट्रल पार्टिसपेशन सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसपेशन और थर्ड ऑप्शन है सिस्टमेटिक वोटर अंगेज एंड इलेक्ट्रल पार्टिसपेशन सिस्टमेटिक वोटर एनरोमेंट एंड एजुकेशन प्रोग्राम इसका आंसर रहने वाला है बी सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसपेशन इसका मतलब ये है कि ये एक वोटर्स जो हैं हमें जो वोट का अधिकार होता है और जो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन का उपयोग किया गया था वोटिंग के दौरान भी वोट हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन से कैसे करें इसके प्रति अवेयर करना था गवर्नमेंट को तो इसके लिए 2009 में ये अवेयरनेस स्टार्ट की थी तो एक प्रोग्राम है एस वी डब्ल्यू पी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं एस वी डब्ल्यू पी इज ए प्रोग्राम ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिया का इलेक्शन कमीशन ने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया फॉर वोटर एजुकेशन कि लोगों जो वोटर वोटिंग कैसे करनी है इसकी एजुकेशन देनी स्प्रेडिंग वोटर अवेयरनेस और लोगों को अवेयर करना कि वोट देना कितना ज़रूरी होता है एंड प्रोमोटिंग वोटर लिटरेसी इन इंडिया इंडिया में वोटर से रिलेटेड लिटरेट करना था लोगों को जागृत करना था सिंस 2009 2009 के अंदर ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था एस वी डब्ल्यू पी सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन इलेक्ट्रोल कैसे पार्टिसिपेशन करना है सिस्टमेटिक वोटर्स को एजुकेशन देनी है तो स्वीप की फुल फॉर्म रहेगी आंसर रहेगा बी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नंबर टू डैश आर यूज फॉर कनेक्टिंग कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक माउस एंड मॉडम तो इनमें से जो ऑप्शन ए दिया है बी सी और डी सीरियल पोर्ट इंटीग्रेटेड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आईडी पोर्ट आईडी आईडी फुल फॉर्म फुलफॉर्म देख लीजिए यहाँ पर हर क्वेश्चन के अंदर काफी इन्फॉर्मेशन छुपी होती है वो हमें ढूंढने की जरूरत है इंटीग्रेटेड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आई यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी बी यूएस बी फुलफॉर्म क्या है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट और पैरेलल पोर्ट तो ये जो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है इसका आंसर सी रहने वाला है क्या है यूएस बी इसका आंसर रहेगा यू एस बी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट जो है आर यूज फॉर कनेक्टिंग कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक माउस एंड मोडम क्लियर माउस मोडम जैसे डिवाइस को जोड़ने के लिए हम यू एस बी का यूज़ करते हैं यू एस बी फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस आई डी फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ओके आगे बढ़ते हैं यू से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट किए हमने देखिए यू काफ़ी प्रकार की होती हैं उनके एक एक नाम और उनके डिजाइन दिखाए गए हैं तो काफ़ी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है ये आपकी यू एस बी माइक्रो बी ये एक टाइप है जिसमें देखिए कुछ शेप ऐसी होती है क्लियर फिर यू एस बी टाइप सी टाइप सी जैसे हम चार्जर हमारे मोबाइल को चार्ज करते हैं तो हम कई बार पूछते हैं टाइप सी टाइप चार्जर है क्या तो इस प्रकार की शेप होती है इसकी यू एस बी माइक्रो ये माइक्रो बी है जिसमें डबल दिखाया गया है बी टाइप दिखाया गया है और यू एस बी माइक्रो की शेप कुछ ऐसी होती है फिर यू एस बी मिनी मिनी की शेप कुछ ऐसी होती है फिर यू एस बी थ्री पॉइंट जीरो यू एस बी टाइप बी है ये और ये यू एस बी टाइप ए है तो इससे आपको पता चलता है कि यू एस बी के कौन कौन से टाइप हैं टाइप बी यू एस बी माइक्रो टाइप बी यूएस बी टाइप सी यू एस बी माइक्रो यू एस बी मिनी यूएसबी थ्री पॉइंट जीरो यूएसबी टाइप बी यूएसबी टाइप ए क्लियर आगे बढ़ते हैं डैश पॉपुलरली पॉपुलरली नॉन एज थ्री डी प्रिंटर ठीक है जो काफी प्रचलित है पॉपुलर है थ्री प्रिंटर इन लिखित में से कौन सा प्रिंटर जो है वो थ्री प्रिंटर है जो थ्री डायमेंशन में प्रिंटिंग कर सकता है लेजर प्रिंटर एग्जैक्ट प्रिंटर हाइड्रा प्रिंटर और आपका ड्रम प्रिंटर प्रिंटर तो इसका आंसर रहने वाला है आपका सी हाइड्रा प्रिंटर हाइड्रा जो प्रिंटर है वो थ्री प्रिंटिंग करने में हेल्पफुल रहता है क्लियर तो इसकी आपको फिगर भी दिखाते हैं हाइड्रा प्रिंटर जो है कुछ इस प्रकार का दिखता है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है देखिए एक मशीन टाइप है इसमें थ्री प्रिंटिंग हो सकती है क्लियर अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं थ्री प्रिंटिंग के लिए हाइड्रा प्रिंटर डैश आल्सो नोन एज द सिस्टम बोर्ड इज ए लार्ज मल्टी मल्टीलेयर्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इनसाइड ए कंप्यूटर मतलब डैश इज़ नोन एज द सिस्टम सिस्टम बोर्ड एक सिस्टम बोर्ड है इज लार्ज मल्टी लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इन साइड ए कंप्यूटर कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा सर्किट डिजाइन किया गया है काफ़ी लेयर है उसमें ऑप्शन देख लेते हैं इसके कौन कौन से रहेंगे मदरबोर्ड बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बी आई एस की फुल फॉर्म भी मिलती है आपको यहाँ पर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आगे बढ़ते हैं कंट्रोल यूनिट और नन ऑफ द अबो तो आंसर रहने वाला है मदर बोर्ड तो मदर बोर्ड आल्सो नोन एज द सिस्टम बोर्ड हम इसको सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं इज ए लार्ज मल्टी लेयर्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसके ऊपर प्रिंटेड सर्किट बने होते हैं इनसाइड ए कंप्यूटर कैसे हम अभी आपको इसका फिगर भी दिखाते हैं मदर बोर्ड आंसर रहेगा मदरबोर्ड कम इन थ्री मेन साइज मदरबोर्ड जो होता है ना जो कैबिनेट में लगता है वो तीन साइज में अवेलेबल है फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल अगर हम बात करें तो ए टी एक्स माइक्रो एटीएस मिनी एटीएक्स सबसे बड़ा है एटीएक्स फिर थोड़ा मीडियम है माइक्रो एटीएक्स और फिर आपका कौन सा है मिनी आईटीएक्स क्लियर तो ये इसके टाइप रहेंगे मदरबोर्ड का फिगर आपको दिखाते हैं ये देखिए है. अब इसमें काफी इंफॉर्मेशन छुपी है मदरबोर्ड की कुछ ऐसी होती है जिसमें काफ़ी स्लोट बनी हुई है यहाँ सीपीयू लगता है सीपीयू फैन लगेगा उसके ऊपर ये अलग अलग डिवाइस हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन दी गई है ए जी पी स्लोट होती है साउथ ब्रिज होता है ये देखिए पी सी आई स्लोट होती हैं सीमोस बैकअप बैटरी होती है यहाँ पर ये यह बैटरी होती है जिसमें वो चलती है इसकी मतलब टाइम कंप्यूटर का सेट रखने के लिए काफ़ी चीज़ें ऑन रखने के लिए सी मोस बैकअप बैटरी बोलते हैं इसको ये आपके अलग अलग टाइप के कनेक्टर हैं इंटीग्रेटेड पेरिफेरल इनपुट डिवाइस जैसे माउस हो गया क्लियर आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस माउस है आउटपुट डिवाइस प्रिंटर वगैरह जोड़ने के लिए ये सब आपके कनेक्टर्स हैं सी पी यू सॉकेट ये सी पी यू सॉकेट कहलाती है जिसमें सी पी यू लगेगा ए एल ई और सी ओ का जो कम्बिनेशन होता है ठीक है इसको सी पी ओ बोलते हैं वो यहाँ लगेगा फिर इसके ऊपर सी पी यू फैन लगता है यहाँ पर ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी पिन एटी पावर कनेक्शन है ये डी रैम मेमरी स्लोट यहाँ पर डायनमिक रैम लगती है आई कनेक्टर है ठीक है तो इस प्रकार से ये मदरबोर्ड की शेप है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट इस पर लगाए जाते हैं ओके आगे बढ़ते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द डैश इज डिफाइंड एज द वर्टिकल स्पेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द विंडो जो एक्सेल होती है एक्सेल के अंदर टॉप टू बॉटम जो होता है और एक होता है राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम है तो वो कॉलम है राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट है तो वो रो है कॉलम्स ठीक है तो देखते हैं ऑप्शन क्या है रो इंसर्ट कॉलम और टैब तो कॉलम आंसर आएगा इजी है ये इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द कॉलम इज डिफाइंड एज द वर्टिकल स्पेस फ्रॉम टॉप टू द बॉटम ऑफ द विंडो तो आंसर रहेगा कॉलम इसमें काफी बार एक्सेल में ये क्वेश्चन भी आ जाता है जब हम एक एक्सेल का पेज ओपन करते हैं सीट वर्कशीट ओपन करते हैं तो उसमें कितनी रो और कितनी कॉलम होते हैं तो रो एंड कॉलम इन एक्सेल वर्कशीट है दस लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ छिहत्तर टेन लैख फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी सिक्स रो मतलब इसमें रोज होती हैं वो दस लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ छिहत्तर होती हैं एंड कॉलम्स कितने होते हैं सोलह हजार तीन सौ चौरासी सिक्सटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एट्टी फोर क्लियर इतने इसके अंदर कॉलम्स होते हैं थोड़ा सा आपको इसका और फिगर दिखाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का देखिए एक्सेल जब आप ओपन करते हैं तो आपको कुछ ऐसी दिखाई देती है जिसमें अलग अलग ऑप्शन है एक क्वेश्चन और आता है लगभग देखने को मिला है कि जब आप कोई वर्कशीट लेते हो तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट आती है सीट वन सीट टू सीट थ्री तीन सीट जो हैं वो बाय डिफॉल्ट आती हैं बाकी आप इससे न्यू न्यू करके और सीट भी इसमें ऐड कर सकते हो ये कॉलम्स होते हैं देखिए ये ये रो हैं एक दो तीन चार ये रो हैं और ऐसे ए बी सी डी ये क्या हैं कॉलम्स हैं ये हमें ध्यान रखना है ये फाइल टैब है क्योंकि एक्सेस बार इसको बोलते हैं क्योंकि एक्सेस बार बोलते हैं इसको ये टाइटल बार होता है ये हेल्प के लिए होता है क्वेश्चन मार्क नीचे और देख लीजिए स्टेटस बार होती है ये ये सीट एरिया होता है व्यू बटन ये होते हैं जूम कंट्रोल मान लीजिए इसका साइज ज़्यादा कम ज़्यादा करना है तो जूम कंट्रोलिंग होते तो एक्सेल का फॉर्मेट होता है क्लियर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश आर इंटरनेशनल डिस्कशन ग्रुप दैट फोकस ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक एंड हेल्प इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक एक इंटरनेशनल डिस्कशन के लिए कोई ग्रुप बनाया जाए ठीक है जिसपे एक ही टॉपिक पे डिस्कस हो कोई पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ग्रुप बना हो ठीक है और जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं एक्टिपी बोलेंगे न्यूज ग्रुप बोलेंगे टेलनेट बोलेंगे या नन ऑफ द बो तो इसको बोलेंगे न्यूज़ ग्रुप तो न्यूज़ ग्रुप होता है वो एक ग्रुप बनते हैं अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन के लिए उसको न्यूज़ ग्रुप बोला जाएगा तो आंसर रहेगा आपका बी न्यूज़ ग्रुप नेक्स्ट क्वेश्चन जहां हमें जरूरत पड़ती है तो नेक्स्ट स्लाइड में हम उसका डेमो भी दिखाते होते हैं आपको कोई फिगर भी तो जहाँ नहीं लगता कि यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो उसको हम आगे बढ़ा लेते हैं ओके लिव व्हाट वुड यू यूज़ फॉर इमीडिएट रियल टाइम कम्युनिकेशन विद ए फ्रेंड आप अपने दोस्त से बातचीत करना चाहते हैं और इमीडिएट एक्शन हो जैसे कि व्हाट्सअप पे आप बात करते हैं तो आपने भेजा उसको मिल गया उसने आपको वापस मैसेज भेज दिया तो ये इमीडिएट चलता रहता है तो उसको क्या बोलते हैं ईमेल आई आर सी यूजनेट या मेलिंग लिस्ट तो IRC बोलते हैं इंटरनेट रिले चैट इंटरनेट रिले चैट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इमीडिएट जो है रियल टाइम कम्युनिकेशन हम करते हैं जैसे कि WhatsApp पे करते हैं हम टेलीग्राम पे करते हैं क्लियर तो वो क्या है इंटरनेट रिले चैट तो आंसर रहेगा बी उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट हमारा क्या है एस सी एस आई स्टैंड फोर तो फुल फॉर्म देखते हैं स्मॉल कोडिंग सिस्टम इंटरफेस स्मॉल कोडिंग सिस्टम इंट्रैक्शन स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटर तो देखते हैं इसमें से क्या आंसर रहेगा आंसर रहेगा सी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस एस सी एस आई स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस नेक्स्ट डैश रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट प्रोसेस इज दिस रिक्वेस्ट एंड सेंड द रिजल्ट बैक टू द क्लाइंट तो उसको क्या बोलेंगे जिस जो रिक्वेस्ट लेता भी है प्रोसेस भी करता है और वापिस रिस्पॉन्स भी क्लाइंट को देता है वेब ब्राउजर वेब पेज वेब सर्वर वेबसाइट तो वेब सर्वर होगा बच्चों क्योंकि वेब सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट लेगा फिर सर्विस कैलकुलेट करके उसको वापस क्लाइंट को सर्विस भी देगा तो इसका वेब सर्वर आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन डैश आर टाइप ऑफ ब्राउजर ग्राफिकल ब्राउजर टेक्स्ट ब्राउज़र बोथ नन ऑफ दिस तो दोनों प्रकार के आपके ब्राउजर होते हैं टेक्स्ट ब्राउज़र भी होते हैं और आपके ग्राफिकल ब्राउज़र भी होते हैं तो बोथ रहेगा आंसर ग्राफिकल ब्राउजर एंड टेक्स्ट ब्राउजर अब ब्राउजर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट की हमने बता देते हैं टाइप्स ऑफ ब्राउजर ग्राफिकल ब्राउजर की अगर हम बात करें तो ऐसा ब्राउजर होता है जो हमें टेक्स्ट भी दिखाता है इमेज भी दिखाता है एंड अदर वेब एप्लीकेशन इंक्लूडिंग वीडियो ऑडियो फाइल्स ठीक है वो दिखाने में हमारे के लिए काफी हेल्पफुल रहता है उसको ग्राफिकल ब्राउजर बोलते हैं टेक्स्ट ब्राउजर सिर्फ टेक्स्ट आइडेंटिफाई करके दे सर्च करके दे हमें तो उसको हम टेक्स्ट ब्राउजर बोलेंगे तो टेक्स्ट ब्राउजर वेब बेस्ड ब्राउजर इज अ वेब ब्राउजर दैट रेंडर ओनली द टेक्स्ट ऑफ वेब पेज एंड इग्नोर मोस्ट ग्राफिक कंटेंट्स ग्राफिक कंटेंट इग्नोर करेगा टेक्स्ट सिर्फ हमें निकाल के लाकर देगा ऊपर अगर हम ग्राफिकल ग्राउजर की बात करें तो मोजिला फायरफॉक्स गूगल क्रोम माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोर एप्पल सफारी एंड अदर ओपेरा ब्राउजर तो ये ब्राउजर ग्राफिकल ब्राउजर हैं ठीक है अंडर स्मॉल बैंडविड्थ कनेक्शन ये मतलब टैक्स uh, ब्राउजर थोड़ा इजी होता है दे रेंडर पेज फास्टर ग्राफिकल वेब ब्राउजर ड्यू टू लोअर बैंडविड्थ चैनल मतलब ग्राफिकल से ज़्यादा फास्ट रहता है क्योंकि इसको तो टैक्स टैक्स उठाना होता है नेक्स्ट डैश इज ए स्मॉल हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस विद ए रबर बॉल एम्बेडेड एट इट्स लोअर साइड एंड बटन ऑन द टॉप तो माउस लाइट पैन ट्रैक पैड जो तो इसका आंसर रहेगा माउस क्योंकि माउस जो है वो एक हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है और जिसमें एक बॉल होती है नीचे एम्बेडेड इट्स लोअर साइड एंड बटन ऑन द टॉप और टॉप के बटन तो माउस रहेगा माउस की अगर हम बात करें तो देखिए दो प्रकार के माउस यहाँ दिखाए गए हैं आपको पहले तो एक तो होती है वायरलेस है माउस ठीक है वायरलेस जिसमें हम बिना वायर के कनेक्ट करते हैं ये वायर वाला माउस दिखाया गया है माउस के वैसे टाइप की बात करें तो ऑप्टिकल माउस आता है गेमिंग माउस आता है लेजर माउस आता है वायरलेस माउस आता है ट्रैक बॉल माउस आता है थ्री माउस आता है मैकेनिकल माउस आता है एरोगो एरगोनिक माउस आता है और स्टाइलस पेन माउस भी आपका अवेलेबल है ये इसके टाइप है आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी हैज़ डवेल्पेड टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म कार्ड क्लियर एक अगर हम इसकी बात करें पहले ऑप्शन डिस्कस करते हैं ए बी सी और डी आंसर रहेगा इसका सी ओके okay. थोड़ा सा ये याद करने वाला क्वेश्चन है ऑटोमेटिक सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ए एस पी आई आर ई फुल फॉर्म देख लीजिए ए एस पी आई आर ई क्या ए ऑटोमेटिक सॉल्यूशन पोर्टल एक ऐसा सॉल्यूशन पोर्टल जो ऑटोमेटिक है फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनके लिए रिसर्च करना उनके लिए नॉलेज कलेक्ट करना इसके लिए एक पोर्टल है जो कि ऑटोमेटिक है वो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी है डेवलप द टेक्नोलॉजी इनोवेशन भी टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करने के लिए खोज करने के लिए ये एक प्रोग्राम एक, एक है ए एस पी आई आर ऑटोमेटिक सोल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन नेक्स्ट सम ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड ई मेल क्लाइंट प्रोवाइड आर फीचर्स दैट आर मतलब जो ईमेल क्लाइंट पे आपको जो फीचर अलो होते हैं ऑफलाइन मोड ऑफ ऑपरेशन फ़िल्टर ईमेल मैनेजिंग ईमेल्स ऑल ऑफ द वो यस तो ऑल ऑफ द वो आंसर इसका रहने वाला है कि सम ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ईमेल क्लाइंट प्रोवाइड मतलब लगभग ई क्लाइंट जो हमें क्या प्रोवाइड करता है ऑल ऑफ द ऑप्शन प्रोवाइड करता है ये फीचर होते हैं ऑफलाइन मोड ऑपरेशन हो सकते हैं उस पर फिल्टरिंग हो सकती है मैनेजिंग हो सकती है ऑल ऑफ द वो नेक्स्ट डैश इज एन इंटरफेस ऑन ए कंप्यूटर विच सपोर्ट ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल बीट ऑफ डाटा एट द सेम टाइम एक ही समय में बहुत सारी बीट अगर हमें ट्रांसफर करनी हो तो इसमें से क्या यूज होगा सीरियल पोर्ट पैरेलल पोर्ट एस सी एस आई पोर्ट और डी एस टू पोर्ट मल्टीपल है तो पैरेलल आएगा ताकि पैरेलल में कई इंफॉर्मेशन चल पड़े तो ठीक है ओके पैरेलल पोर्ट इज एन इंटरफेस ऑन ए कंप्यूटर विद सपोर्ट ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल बिट ऑफ डाटा एट द सेम टाइम टाइप ऑफ पोर्ट अब देखिए एक होता है पैरेलल और एक होता है सीरियल दो प्रकार की पोर्ट होती है पैरेलल पोर्ट जिसमें एक साथ मल्टीपल बिट चल सकती हैं पैरेलल कम्युनिकेशन रिक्वायर्स मच वायर हैज द नंबर ऑफ बिट इन वर्ड फॉर इट्स ट्रांसमिशन वर्ड में भी कंबिनेशन ऑफ फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर पैरल में इतने साइज के वर्ड को पैरल में चला सकती है पैरल बस सीरियल क्या होता है जिसमें एक एक बिट करके ही मूव होती है सीरियल कम्युनिकेशन यूज रिक्वायर एड मिनिम ऑफ टू वायर ऑफ डाटा ट्रांसमिशन ऑन वन डायरेक्शन वन वायर इज फोर एंड अदर इज फॉर ग्राउंड क्लियर टाइप ऑफ पैरल पोर्ट पैरल चलती हैं जिसमें मल्टीपल डाटा पैरेलल में चलता है वो किस किस टाइप की हो सकती हैं एक होती है एस पी पी स्टैंडर्ड पैरेलल पोर्ट एक होता है ई पी पी अनहेंस्ड पैरल पोर्ट एक होता है ई सी पी एक्सटेंडेड कैपेबिलिटी पोर्ट तो एस पी पी आगे दो प्रकार की है दो इसके फीचर हैं डाटा फ्लो इन वन डायरेक्शन और कंपेटिवली स्लोअर एस पी पी के दो फीचर हैं अनहेंस्ड के बाई डायरेक्शनल बाई डायरेक्शन मतलब दोनों डायरेक्शन में डाटा चल सकता है एक्सटेंडेड कैपेबिलिटी पोर्ट ई सी पी बाय डायरेक्शन एल ए और डीएमए चैनल को ये यूज करती है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डैश रेफर टू ई मेल दैट अपीयर्स टू हैव बीन ऑर्गेनेटेड फ्रॉम वन सोर्स वैन इट वॉज एक्चुअली सेंड फ्रॉम अनदर सोर्स मेलिंग बॉम्बिंग ई मेल स्पूफिंग ईमेल स्पैमिंग और नन ऑफ द तो इसका आंसर रहेगा स्पूफिंग स्पूफिंग क्या होता है कि ऐसे लगता है जिसके पास मेल आई है कि, कि किसी बंदे ने हमें भेजी है और जिसको हम जानते हैं पर ऐसा होता नहीं है हमें मेल तो आ रही होती है लगता तो ऐसा उस पर्सन ने भेजी है पर वो कोई और ही भेज रहा होता है तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम है? ई मेल स्पूफिंग रेफर टू ई मेल दैट अपीयर्स टू हैव बिन ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन सोर्स हमें एक जगह से लगती है कि यहाँ से होना चाहिए ठीक है और वैन इट वॉज एक्चुअली सेंड फ्रॉम अनदर सोर्स बट वो आ कहीं और से रही होती है क्लियर ओके थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स पीछे हमने दो वीडियो और इस टाइप के क्वेश्चन हम बना चुके हैं वो जरूर आप देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और इसमें हमने कंप्यूटर ट्रिक की ट्रिक नाम से प्ले बना रखी है सी लैंग्वेज की भी है सी प्लस प्लस की भी है और आपके एम का भी बनाया गया है तो काफ़ी सारे प्ले लिस्ट हैं सारे विजिट करें एम एस ऑफिस भी बना रखा है आपके हर कंपटीशन के टेस्ट का डाटा इस चैनल पे आपको ज़रूर मिलेगा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच जय हिंद जय भारत